आपके कहो शरीर की उम्र तोशा कितनी? 30, 30 साल की। सही बोल रही गलत है? ये गलत बोल रही। मालूम कैसे? बोलना चाहिए 30 साल और 9 महीने। नहीं, वो जो 9 महीने माता जी के गर्भ में रही हो, भूल गई वो? हद हो गई। क्या कहना चाहिए? 30 साल प्लस। अब कोई 8 महीने में बाहर टपक गया, 7 में टपक गया, तो वो उतने कह दे, 7 कह दे, 8 कह दे, 9 कह दे। कोई 10 भी है, 10 महीने में जन्म हुआ, तो उम्र क्या हुई? 30 साल प्लस। अच्छा, मां के गर्भ में आने से पहले तू कहां थी? बीना को पता है कहां थी? इस 9 महीने से पहले जिस मसाले से इसका शरीर बना, कहां था? अन्न में था। वही अन्न माता पिता ने खाया, तो माता के शरीर में अंडा, पिता के शरीर में स्पर्म बन गया, वीर्य बन गया। तो फिर उस अन्न की उम्र नहीं जोड़नी पड़ेगी साथ? अगर 30 साल 9 महीने हम कह सकते हैं, तो जिस मसाले से बना शरीर, वो मसाला तो फल सब्जी अन्न वहां पर था ना शरीर, उसी के इसेंस से सात्वी धातु वीर्य बनी ना। रस रक्त अस्थि मेद मज्जा आदि पूरे पूरे होते 7वें में जाकर के बना। पहले तो रस बना, रस कहां से बना? जो अन्न हमने खाया उससे बना। तो अन्न की उम्र नहीं जोड़नी पड़ेगी? अन्न जिस पृथ्वी में होगा उस पृथ्वी की उम्र नहीं जोड़नी पड़ेगी? बोलो, टेक्निकली चलो भाई, मैं दुनिया के हिसाब में बहुत कच्ची हूं, पर ये हिसाब में मैं बहुत पक्की। अगर पृथ्वी ही ना होती, अन्न कहां उगता? तो पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, इन पंच तत्वों के मिश्रण से शरीर बना। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, तो ये शरीर बच्चा किसका हुआ? मां बाप का कि इन पंच तत्वों का? ए, खाम खाम में मम्मी डैडी बन के बैठ जाते। जिस खेत में बीज डाला, वो बीज का बाप कौन है? वो किसान जिसने बोया है? तो जिस पिता के शरीर से वीर्य निकला, वीर्य हुआ बीज, तो उस बीज का बाप कौन है? पंच तत्व है या ये हड्डी मांस वाला बाप बाप है? कोई न बाप तेरा। बाणी में आता है, कांको माई कांको बाप, नाम त्रिक झूठे सब साथ। कौन बाप कौन माँ? पवन गुरु पानी पिता, माता तरत महत। माता बोले धरती, तो कौन माँ? बोलो, बोला करो, धरती मेरी माँ है। तो तोशा तेरी माँ कौन? बीना? नहीं, बीना बिना के बिना धरती, अग्नि, वायु, आकाश, पंच तत्व निकले महतत्व से, महातत्व निकला अहंकार से,
हिरण्यगर्भ से, हिरण्यगर्भ निकला ईश्वर से, तो ये शरीर का मां बाप कौन? ठेंगा दिखाओ दुनिया को भाई, टेक्निकली चलो इन्वेस्टिगेशन करो तो पूरी करो ना, आधी अधूरी क्यों? इसलिए श्री कृष्ण गीता में कहते, पिता हमस्य है जगत, इस सारे जगत का पिता मैं ही हूं। तो हमारा बाप कौन? तो हम तो शुरू से कहते हरि, क्योंकि जिस बायोलॉजिकल बाप को बाप बनाया वो भी तो हरि। पिता हमस्य जगत, माता दाता, इसका मां भी मैं, इसकी दाता पालन करता भी मैं, कृष्ण कहते। तो शरीर की बात जहां होती है तो वहां यह प्रकृति के ये बच्चे हैं, प्रकृति से जन्मे हैं ये सब। लेकिन अगर कहो मेरा बाप कौन, देह का नहीं, मन का नहीं, बुद्धि का नहीं। देखो जैसे शाल लिया है, सर्दी नहीं होगी शाल उतार देंगे, ऐसे ही है शरीर भी एक शाल की तरह है, मिला है एक समय के बाद इस शरीर को भी उतार देते हैं। और ये मन बुद्धि को तो आप रोज सुषुप्ति में उतार देते हो, मन कहां है सुषुप्ति में, बुद्धि कहां है सुषुप्ति में? दिन में इतने सोफिस्टिकेटेड, किसी को मैंने देखा बड़ा मजा आया देख के, है ना, वो तो प्यारा सा एक वाइट नैपकिन एम्ब्रॉयडर्ड फूल उसके ऊपर, वो चाय पिए ना तैसे, वो इतनी सी बाइट खाए मुंह में तो वो चले तो अदास से, वो बैठे तो अदास से, वो भूले तो एक्सक्यूज मी। फिर एक दिन दोपहर में मैंने उसको सोते हुए देखा, मुंह खुला पे है, मक्खी आवत भाई जावत भाई, खराटे खर खर चल रहे। सुषुप्ति में जाती कहां गई सोफिस्टिकेशन सारी की सारी, टांगे कहां, मुंह कहां, हाथ कहां, और खराटे ऐसे भयंकर कि रूह तक कांप जाए, कोई मुंह बंद करो इसका। पर फिर थोड़ी देर में जब उठती तो वो कल्चर एथिक सिविक सेंस सारी कहां गई सुषुप्ति में, बुद्धिमान दोनों नहीं रहे वहां पर। पर जब वहां जहां बुद्धिमान नहीं रहे वहां पर भी गहरी नींद को किसने जाना? मैंने, दृष्टा की दृष्टि का कभी लोप नहीं होता है। जैसे बाहरी हम कहें सूर्य का प्रकाश हमेशा प्रकाशता रहता है, ऐसे मुझ दृष्टा साक्षी का प्रकाश हमेशा प्रकाशता रहता है। जागृत हुई, स्वप्न हुई, सुषुप्ति हुई, किसने जाना? मैं जानता हूं। स्वयं स्वयं विभातयत अन्यानि, स्वयं विभाषित है, स्वयं प्रकाशित है और अन्य को प्रकाश करता है। भाष्यते साधनम बिना, और अपना ये प्रकाश किसी साधन के बगैर है, स्वयं प्रकाश इसी को कहते, स्वयं प्रकाश इसी को कहते। चिच्छाया चिच्छाया अवशेतो बुद्धौ भानु धीस्तु द्विधा स्थिता, एका अहम कृतः अन्य स्यात् अंतःकरण रूपिणी। चित छाया अवशेतः बुद्धौ, चित छाया, चित माने मैं चेतन स्वरूप हूं,
मेरी ही छाया इस बुद्धि में जब पड़ी। बात बारीक है, ध्यान से समझना। जैसे ये शीशा सामने रखेंगे तो आपको आपकी शक्ल दिखेगी, राइट। अब जिसके पास होगा उसको दिखाएगा। अगर शीशा इधर पास कर देंगे तो इसको दिखेगा, उधर वाला को नहीं दिखेगा। क्या होना चाहिए? शीशे के सन्मुख जो होगा उसी का प्रतिबिंब शीशे में पड़ जाएगा। इस बुद्धि रूपी शीशे के सबसे पास कौन? मैं हूं चेतन स्वरूप। मुझ चेतन स्वरूप की ही छाया पड़ी अंतःकरण के शीशे में, तो क्या हुआ? मेरी ही छाया से जो तैयार हुआ उसे हम कहते प्रतिबिंब। क्या कहते? द रिफ्लेक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस दैट एंटर्स इन टू द इंटेलेक्ट मेक्स इट कॉन्शियस। बुद्धि जड़ है पर चेतन के प्रकाश को पा करके बुद्धि भी चेतन जैसी हो जाती है। धी तू द्विधा स्थिता। इस धी में दो स्थितियां बनती हैं। एक है एका अहम कृति, एक बनी अहम, मैं हूं, ये बुद्धि में बना। अन्य स्यात, और दूसरी क्या बनी? अंतःकरण रूपिणी, या दूसरा अंतःकरण बना। कुछ बात पकड़ में आई नहीं? मुझ चेतन के प्रतिबिंब मेरी ही छाया पड़ने से बुद्धि चेतन हुई और इसमें जागा मैं हूं। अब ये जो मैं हूं है ये बुद्धि की वजह से है। ये बुद्धि सुषुप्ति में नहीं होती इसलिए वहां मैं हूं भी नहीं होता। जागने पर कहते हो मैं सोया था, कुछ पता नहीं चला। पर जब सो रहे थे तब क्या मैं का पता था? नहीं। क्यों? वहां बुद्धि लीन हो गई अविद्या में, इसलिए मैं हूं की फीलिंग वहां पर नहीं रहती। मेरी ही छाया पड़ने से दो बने, एक अहम वृत्ति और दूसरा आपका अंतःकरण फंक्शनल हो जाता है। जिसे को प्राण आ गए अंतःकरण में। अंतःकरण के मन बुद्धि चित्त और अहंकार। ये जो अहंकार है अहम कृति, ये चेतन की ही छाया है। और ये जितने संकल्प विकल्प या निश्चय अनिश्चय या चित्त में जितनी स्मृतियां हैं, ये सब की फंक्शनिंग भी कब हुई? दो एक्टिविटी हुई ना, मेरी रोशनी में, मेरे ही प्रकाश में, मेरी ही छाया से दो चीजें, एक अहम कृति, एक अहम वृत्ति और दूसरा अंतःकरण रूपिणी। अंतःकरण भी जागृत मेरे ही वजह से होता है। ख्याल रहे अंतःकरण जड़ है। जिसे ए जिसको पैरालिसिस हो जाए उसके पास हाथ तो है, हाथ उठाने की इच्छा भी है लेकिन उसका हाथ उठता नहीं। कभी कभी ऐसी अनुभूति साधकों को अक्सर होती है, हमारे बहुत होती रहती थी। बैठे आंख बंद किए, अब आंख खोलना चाहते हैं, आंख खुलती नहीं। कितनी मस्ती अंदर आई हुई है, आंख खुली नहीं रही। खोलना चाह रहे हैं, आंख खुलती नहीं। पैर खोलना चाह रहे हैं, पैर खुलते नहीं। मुंह से बोलना चाहते हैं, बोला जाता नहीं। पर अगर किसी को बीमारी हो जाए, माने पैरालिसिस हो जाए, तो वो चाह करके भी अपने हाथ पांव को फिर हिला नहीं सकता है। क्यों? वहां न्यूरोलॉजिकल डैमेज हुआ, मस्तिष्क से जो मोटर
एक्टिविटी होनी थी जिन न्यूरॉन्स की वजह से, उस लाइन में दिक्कत हो गई तो अब चाह के भी हाथ उठा नहीं सकते। तार तो है जड़, लेकिन जब पूरा सिस्टम ठीक चल रहा हो न्यूरोलॉजिकली, इसीलिए ख्याल रखना बीपी ज्यादा कभी मत बढ़ने देना। हाय पैसा पैसा पैसा, हाय पैसा पैसा पैसा, हाय पैसा बच्चे बच्चे, पैसा पैसा बच्चे, करते करते बीपी शूट अप कर लिया, 200 बढ़ा लिया, 200/120 कर लिया, और अंदर नस पटक बज गए पटाखे दिवाली के। अब हो गया अधरंग, मुंह बंद, जीभ चलती नहीं, हाथ चलता नहीं, पैर चलता नहीं। अब तेरे बच्चे तेरे पैसे आएंगे किसी काम? को काहू को न है, कोई यहां कोई किसी का नहीं है। मैंने एक अरबपति को देखा इस हालत में, व्हीलचेयर पे पड़ा है, उसमें भी दो नौकर उठा के उसे बैठाते हैं, वो मुंह से लार टपक रही है, वो अपना हाथ उठा के पहुंच नहीं सकता, मक्खियां मच्छर मुंह पे आके काट रहे हैं, वो हटा नहीं सकता, वो बोल नहीं सकता है। करोड़ों अरबों रुपया किस काम? पत्नी आवे देखे वो मुंह पोछे, वो पाइप लगावे मुंह में कि इससे पी लो, फिर पाइप से भी पीने की उसकी वो पॉसिबिलिटी खत्म हो गई तो चम्मच से मुंह में उंडेल दे, आधा अंदर जाए आधा बाहर गिर जाए। फिर डॉक्टर कहता नहीं, इनको तो अब इंट्रावीनस लगा देते हैं, अब ये मुंह से कुछ नहीं खा सकेंगे। एक थैली लग गई नीचे पेशाब की, एक थैली लग गई खाने की, प्लास्टिक की उन थैलियों के साथ जीवन जी रहा है। पर जब दौड़ रहा था, भाग रहा था, पैसा पैसा पैसा, मर रहा था, अब बोलो किस काम आएगा? सुबुद्धिमान बनिए, संसार की वस्तुओं को इकट्ठा करने के चक्कर में अगर ये शरीर को ही बिगाड़ लिया तो प्यारे जीवन तुम्हारा नरक हो जाएगा, जीते जी नरक देखोगे, मर के जाके कहीं नरक नहीं है, फिर यही नरक है उसका। न्यूरोलॉजिकल सिस्टम ठीक रहे इसलिए आसनों की आवश्यकता, रोज करिए। प्राणायाम की आवश्यकता है, रोज करिए। मन में कोई चिंता शोक आने ना दीजिए। अरे मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा, मेरे लड़के का क्या होगा, ये फिक्रें कर करके खुद मर जाओ, खुद बीमार हो जाओ। और सच तो ये है, मरोगे तो तुम्हारा हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा उनको मिलेगा, जायदाद उनको मिलेगी, तिजोरी में दबाया हुआ माल सारा उनको मिलेगा, दिली दिल में खुश होंगे, आए शुक्र गया डैडी, अब मर्जी से पैसे खर्चा करेंगे, बाप तो देता नहीं था, अब हम अपनी मर्जी से खर्च करेंगे। तो कबीर जी कहते को काहू को नहीं, यहां कोई किसी का नहीं है, याद रखना। तो शरीर जड़, इंद्रिय जड़, मन जड़, बुद्धि जड़, पर इस बुद्धि में चेतनता किसकी वजह से? मुझ चेतन की वजह से। मन में संकल्प विकल्प विचार की शक्ति किससे? मुझ चेतन की वजह से। चिच्छाया अवशेषतः बुद्धौ, इस बुद्धि में सोचने समझने की ताकत किसकी वजह से? मुझ चेतन की वजह से। अब याद रहे, मैं चेतन बुद्धि में होके भी बुद्धि से भिन्न ही रहता हूं, अलग ही रहता हूं, पर बुद्धि में भ्रम हो जाता है। तो बुद्धि जिसकी वजह से चेतन हुई उसी को भूल गई। अब आपको आपके शरीर की पहचान तो है, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, इसकी पहचान तो है, लेकिन अपना ही स्वरूप भूल गए तुम। अपना आप भूल के देह मन बुद्धि संसार याद रखा तो क्या किया? तो तुम्हारे दुख शोक चिंता का कारण भी तो फिर यही बनता, यही अध्यास।
एक अहम कृता अन्य स्यात्। ये अहम वृत्ति भी क्या है? चेतन की ही छाया है। क्या है? चेतन की छाया। फिर याद रखना, चेतन की छाया चेतन नहीं है, चेतन जैसी है। चेतन नहीं है छाया, छाया तो छाया ही रहेगी ना। वो अभी हमने पीछे एक भजन किया ना, हम है अचरज एक दिखाए रे, कैसे बिंदु में सिंधु समाए रे, रहत आकार बसत निरंतर, आगे छाया ते जग प्रगटाए रे। तुम हमेशा निराकार रहते हो, पर शरीर आकार वाला है, इसके साथ रहते हो, पर हो तो तुम निराकार स्वरूप। रहत आकार, आकार के साथ है, बसत निरंतर, निरंतर साथ में है, छायत जग प्रगटाए रे। ये बुद्धि, ये मन की माया, ये सब तेरी ही छाया है। छाया का कोई अस्तित्व होता है अपना? याद रहे, छाया का कोई अस्तित्व नहीं है। छाया को इसलिए माया ही कहते हैं। सो ये बुद्धि, मन, इंद्रिय, शरीर और आगे तुम्हारा परिवार, संसार, मकान, सब कुछ छाया है मात्र है। ये माया मात्र मिदम जगत, ये सारा जगत ही माया मात्र है। मात्र मतलब जस्ट, नथिंग एल्स, जस्ट, जस्ट रिफ्लेक्शन, जस्ट इल्यूजन। अजब बात देखो, तुम शरीर को मैं मानते हो वो तुम हो नहीं, तुम मन को मैं मानते हो वो तुम हो नहीं, तुम बुद्धि को मैं मानते हो बुद्धि तुम हो नहीं, और तुम दृष्टा स्वरूप हो ये तुम जानते नहीं। जब मैं ये कहती हूं ये तुम जानते नहीं, तो एक्चुअली मैं किसको आइडेंटिफाई करा रही हूं? बुद्धि को, क्योंकि इसमें, बुद्धि में जो अहम वृत्ति है, आप तो उसी को पहचानते हो, छाया को थोड़ा बहुत पहचानते हो, जिसकी छाया है उसको तो पहचानते ही नहीं। सो जिसको अभी आप मैं कह रहे हो वो क्या है? शुद्ध चेतन की छाया है, और आप छाया को सच मान बैठे। छाया माया है, और इस छाया की माया में जो फंसा वही अज्ञानी है, इस छाया की माया से जो मुक्त हुआ वही ज्ञानी है। अगला लेती हूं। छाया अहंकारे हो एकम तप्तायह पिंडवन मंतम तदहंकार तदात्मयात देह चेतनात्मताम अगात। छाया अहंकारयो एकम, ये जो आपका झूठा मैं है ये शुद्ध चेतन की क्या है? छाया मात्र है। तप्ता आया पिंडवात्मतम, ऐसे समझो जैसे कोई लोहे की गेंद को तप्ताय पिंडवन्मंतम, पिंड मतलब लोहे के गोले को कोई गर्म कर दे, लाल हो गया। अब लाल धर्म अग्नि का है, अग्नि लाल होती है, लोहा तो लाल होते नहीं, बट हमने लोहे और अग्नि को एक साथ कर दिया, तो लोहे को जब गर्म किया तो लोहा कैसा हो गया? लाल। अग्नि और लोहे के उस पिंड के मिलने से पिंड भी, लोहे का वो पिंड, लोहे का वो बॉल भी आग जैसा लाल लाल और गर्म गर्म हो गया। गर्म धर्म अग्नि का है,
लाल धर्म अग्नि का है, लोहे के पिंड में ना अग्नि है ना गर्म है, लेकिन दोनों के मिल जाने से जैसे वो पिंड गर्म हो जाता है, इसी तरह से ये जो तुम्हारा मैं है बुद्धि में जब छलका, तो ये बुद्धि रूपी गोले को भी उसने अपने चेतना से चेतन स्वरूप बना दिया। तो बुद्धि सोचने लगी मैं हूं, और फिर इस शरीर को भी उसने जाना, तो फिर कहती ये भी मैं हूं, सब तरफ चौड़ी होके कह रही ये भी मैं हूं, ये भी मैं हूं। चेतन मुझ चेतन और बुद्धि रूपी गोले को मिलाया, तो इसके धर्म उसमें चले गए, उसके धर्म उसमें चले गए। तो मैं अपने आप को बुद्धि मानने लग गए और बुद्धि अपने आप को चेतन मानने लग गई। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इसे हम कहते हैं अन्योन अन्य अध्यास, इसका उसमें, उसका इसमें चला गया। अध्यास मतलब है नहीं पर प्रतीत होता है जो, हाँ, बुद्धि और मैं सच्चिदानंद और बुद्धि तो महाराज जड़ है, लेकिन हम मेरे प्रकाश के मिलते ही ये बुद्धि क्या हो गई, चेतन जैसी, और मैं अपने आप को मान लग गया बुद्धि, हो गया बुद्धू। अब देखो सब जानना हो रहा है बुद्धि से, राइट? ये बात भी जो समझ रहे हो, किससे समझ रहे हो? हाथ से, तुम्हारे पांव से, तुम्हारी कोहनी से, तुम्हारे घुटनों से, कहां से समझ रहे हो? बुद्धि से। अब बुद्धि है जड़ पर समझने का काम कर रही, क्यों? क्योंकि बुद्धि में चेतन का प्रकाश है, तो बुद्धि जान रही है अच्छा मैं हूं। ये जो फीलिंग है ये भी कहां से आ रही है? बुद्धि से। पर एक्चुअल में क्या है? मुझ चेतन की ही छाया, न मैं बुद्धि, न बुद्धि में बना अहम, मैं हूं शुद्ध चेतन स्वरूप। पर माया देख लो कैसी बन गई, बुद्धि मैं हूं नहीं, बुद्धि में लगती है, शरीर मैं हूं नहीं, शरीर में लगता है, मन मैं हूं नहीं, मन में लगता है, इंद्रियां मैं हूं नहीं, इंद्रियां में लगता है, तो शरीर इंद्रियां मन बुद्धि मैं लग रहे हैं, जबकि ये मैं है ही नहीं। यही है माया। माया मतलब संसार नहीं है, माया मतलब है भ्रम, माया मतलब है अध्यास, माया मतलब है इल्यूजन विच यू आर सीइंग एज रियल। असत सत लग रहा, शरीर में लग रहे, शरीर में है नहीं। ये जो अहम अहम वृत्ति बनी, किससे बनी? तदात्मयात। तदात्म मतलब तद आत्म, तद मतलब उसके जैसा। जब आत्म बुद्धि के जैसा हो गया, हो गया कि लग रहा है? रस्सी सांप हो गई थी कि सिर्फ लग रही थी? लगी रही थी ना। ऐसे ही बुद्धि मैं लग रहा है, बुद्धि मैं हूं नहीं, मैं दृष्टा स्वरूप। अच्छा ऐसे समझो, इसे सूर्य चमचमा रहा था, फिर बादल आ गए। अच्छा, बादलों ने सूर्य को ढका कि तुम्हारी आंख को ढका? क्या बादल की यह औकात है कि वो सूर्य को ढक सके? बादल ने ढका मेरी आंख को और दिन में रात हो गई। रात हो गई जैसी लग रही या सच में रात हो गई? मैं हूं वो चेतन सूर्य की न्यायी चमचमाता, पर इस बुद्धि की आंख पर अज्ञान आ गया, तो मैं अपना आप भूल के खुद को बुद्धि मानने लग गया,
और मैं बुद्धि तो छोड़िए अपने आप को शरीर ही मानने लग गए, पर ये हड्डी मांस का लोथड़ा मैं नहीं हूं। हमारे एक संत कहा करते थे, हड्डी हड्डी मांस का लोथड़ा गंदगी का टोकरा है ये शरीर, इसको तुम मैं मानते हो? न केवल इसको मैं मानते हो, इससे जो उत्पन्न बच्चे होते हो उनको भी मैं ही मानते हो। हड्डी मांस का वो ओहो, एक चीज की जरूरत पड़ रही थी, जीता कहाँ है वो? भाग के जा, भाग के जा, भाग के जा, भाग के जा। आज आपको हम बहुत बढ़िया एक दर्शन कराएंगे। ये हड्डी मांस का लोथड़ा मैं नहीं हूं, ये विचारों का समूह मन में नहीं हूं, ये ज्ञान अज्ञान से भरी बुद्धि में नहीं हूं, मैं हूं दृष्टा स्वरूप। मैं हूं सच्चिदानंद स्वरूप। दे असत, दे जड़, दे दुख, दे परछिन्न, मन बदलने वाला, कामी क्रोधी रजोगुनी तमोगुनी होने वाला, मैं न रजोगुणी न तमोगुणी न बदलने वाला। इंद्रिय कभी बहुत तेज, कभी क्षीण, कभी मंद, पर मैं न कभी क्षीण न मैं कभी मंद। कैसी कैसी अजब विद्या का ज्ञान का प्रसारा हो गया, जो मैं हूं नहीं वो मैं लग रहा है। जो मैं हूं नहीं वो मैं लग रहा है, जो मैं हूं वो दिखता ही नहीं, वो समझ ही नहीं आता। इसी अज्ञान के निवारण हेतु ये ज्ञान है। मैं मन नहीं, अगर ये निश्चय हो जाए तो फिर तुम पुण्य हो कि पापी। अगर तुम बुद्धि नहीं हो तो फिर तुम ज्ञानी हो कि अज्ञानी। क्यों प्रज्ञानन? ज्ञानी के अज्ञानी, तो इतनी सोच क्यों पड़ी हुई थी फिर कल जब हमने पूछा? कोई बोल रहा है ज्ञानी हूं, हाँ हमारे चेले बहुत चांट चौंकड़ हैं, एक बोले हम ज्ञानी हैं, एक बोले हम अज्ञानी हैं, और आधे सोच रहे क्या बोले क्या बोले, कि हम फंस नहीं जाए। हैं क्या बोले क्या बोले, जिसमें हम पकड़े न जाएं। हमने पूछा, 20-25 सब बैठे हुए थे साधक, मैंने पूछा तुम में कौन ज्ञानी है कौन अज्ञानी? योग वशिष्ठ पढ़ रहे हैं, हाँ कोई बोले ज्ञानी है, कोई बोले अज्ञानी है, कोई बोले कभी कभी ज्ञानी है कभी कभी अज्ञानी है। कहाँ गई ये रही कनपुरिया, सुबह सुबह ज्ञानी है जब योग वशिष्ठ पढ़ते, कहती तब तो ज्ञानी, शाम होते होते अज्ञानी, चार से सिर हिलने लगे। हाँ हाँ हाँ, बोले हम भी तुम्हारे साथ हैं, सुबह सुबह ज्ञानी होते शाम तक हम अज्ञानी होते। ऐसा है जब कच्चा होता है ना चेला, उसको हिलाना बड़ा आसान होता है, पर हिलाना हमारा मकसद नहीं होता, हमारा मकसद होता है कि इनका निश्चय स्पष्ट हो जाए। तो ज्ञानी है कि अज्ञानी, कर लो बात। न ज्ञानी, हा ला उल्ला, आजो 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 आजो, वाह 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 वाह, ऊठन लग गई बेबी को, माय गॉड सो ब्यूटीफुल, देखा?
इसका नाम है हीर। प्यारी है ना, है कि नहीं, बोलो। सो स्वीट। देखो वो कहती हम तो है ना प्यारी। अब देखो सिर है, माथा है, आंखें हैं, पलके हैं, नाक है, हाँ, होंठ है, थोड़ी है, हाथ है, पांव है, देखो पूरी अंगुलियां हैं, अंगूठा है, चार अंगुलियां हैं, सब कुछ है, बट इसमें प्राण करेक्ट एब्सोल्युटली करेक्ट। ऐसा ही कुछ तुमने पैदे किए थे ना, पैदे तो बहुत सुंदर वाली है, तुम्हारे पता नहीं कैसे थे। हम कह सकते हैं कि इसका शरीर तो है पर इसमें प्राण नहीं है, मन नहीं है, अंतःकरण नहीं है, पर चेतन सत्ता। शाबाश, चेतन सत्ता। बड़ा वजन है इसका। चेतन मतलब अस्थि, तो इसमें अस्थि नहीं है, अस्थि है, चेतन है। वाह, बुद्धि नहीं है। जिस बुद्धि में आभासित होके अहम वृत्ति बनती वह बुद्धि अब देखो बुद्धि के तू सो जा। ओके नाउ देयर यू गो। ये टोपी यही रहेगी इसकी, और ये भी है। चलो, अंतःकरण नहीं है इस जड़ वस्तु में, अंतःकरण नहीं है, तो यहां पर अहम वृत्ति, पशु में अहम वृत्ति है। क्यों? क्योंकि वहां अंतःकरण है। तो हमें ऐसे भी कह सकते हैं जहां जहां अंतःकरण होगा वहां वहां अहम वृत्ति होगी, पर एक पशु में, एक शीशे में और एक मनुष्य में क्या फर्क? एक पशु में प्रीफ्रंटल ब्रेन और स्पाइन की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हुई है, इसलिए उनके पास बहुत कॉन्शियस मन नहीं है, बहुत अच्छी बुद्धि नहीं है, लेकिन मैं हूं का एहसास उसके पास भी होता है। पर इस शीशे में वो एहसास नहीं है, मनुष्य में है। लेकिन मान लो किसी मनुष्य का दिमाग फेल हो जाए, कोमा में चला जाए, तो फिर उसमें भी अहम वृत्ति, अहम वृत्ति फिर वहां पर भी नहीं है। अहम वृत्ति मतलब मैं हूं, द सेंस ऑफ बीइंग, आई एम। ये किसकी वजह से है? यह है तो चेतन की ही वजह से, पर साथ में दूसरी चीज कौन है? बुद्धि। तो बुद्धि प्लस चेतन छाया इज इक्वल टू आई एम, मैं हूं। अब फिर आता है मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, तो फिर
खुद को शरीर मानते हैं, खुद को मन मानते हैं, खुद को बुद्धि मानते हैं, यही अविद्या है, यही अज्ञान है। और यही अज्ञान आपको परमात्मा से जुदा करता है। अजब बात हो गई ना, मैं देह हूं ये बिल्कुल गई गुजरी पापात्मक बात, मैं बुद्धि हूं जाना ये भी अज्ञान की बात, छाया को मैं समझ रहे हो तुम तो ये अच्छी बात तो नहीं है ना? तुम छाया नहीं हो, ये बुद्धि में जिस चेतन की छाया पड़ने से मैं बना वह तुम हो। अब ख्याल रहे, ख्याल से समझना इस बात, बुद्धि में जिसकी छाया पड़ी वो दृष्टा नहीं है, छाया दृष्टा नहीं है, बुद्धि में आई अहम वृत्ति दृष्टा नहीं है, ये छाया जिसकी है सो दृष्टा। और लोग सबसे बड़ी गलती यही करते, चेतन के आभास को हम एक नाम दे सकते हैं चिद आभास, चिदाभास, चिदाभास दृष्टा नहीं है, जिसका आभास है वो दृष्ट है। अब मन और बुद्धि को मैं मान के तुम कहो मैं दृष्टा, तो ये झूठा दृष्टा हो जाएगा। अंतःकरण में आभासी चेतन को अगर आप दृष्ट कहेंगे ये झूठा दृष्टा हो जाएगा, बुद्धि को दृष्टा मानेंगे तो झूठा दृष्टा हो जाएगा। जब मैं दृष्टा कहती हूं कि तुम दृष्टा हो, ख्याल रहे अहम वृत्ति को मैं दृष्टा नहीं कह रही, चेतन की छाया को मैं दृष्टा नहीं कह रही, बड़ी सूक्ष्म बात है। बुद्धि को मैं माने माने पर तुम मैं ही इसमें को दृष्टा कहोगे तो ये गलत हो जाएगा। बुद्धि में जिसकी छाया हुई वह आत्मा दृष्टा है, और अपने आप की रोशनी से रोशन है, किसी बाहरी साधन से उसमें प्रकाश नहीं है, वो अपने आप से प्रकाशमान है। अद्भुत है की बात। कई लोग इस डॉल के जैसे मेरे सामने बैठे हैं लेकिन इस बात को पकड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बुद्धि उनकी विकसित नहीं हुई, बुद्धि वही रहेगी बीज नुमा, मूढ़ता से भरी हुई। जब यही बुद्धि देह से जुड़ जाती है तो मूढ़ता बढ़ती है, जब यही बुद्धि को हम देह से अलग जानते हैं और इस बुद्धि को हम मंजित करते हैं, कैसे, वैराग्य से, साधना से, प्राणायाम से, ये बुद्धि चमकदार होने लग जाती है, और चमकदार चमकदार सरफेस पर प्रतिबिंब पड़ेगा, यहां पे प्रतिबिंब पड़ेगा, यहां पे प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा, यहां पड़ेगा शीशे में रिफ्लेक्शन होगा, ये शीशे के इस हिस्से में रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो आपकी बुद्धि कैसी होनी चाहिए, ऐसी जड़ या ऐसी, इसी को हम सत्वगुणी बुद्धि कहते। दया, क्षमा, मैत्री, मुदिता, नम्रता, अहंकार रहितता से आपकी बुद्धि ऐसी रिफ्लेक्टेबल हो जाएगी। तो ये ज्ञान की बात अच्छे से समझ लग जाएगी। तो देह भी जो जीवित लगती है किसकी वजह से, चेतन की ही वजह से।
जिस बुद्धि से समझ रहे हो बुद्धि ही तुम नहीं हो, जो बदल जाए वो तुम नहीं, जो विनाशी हो वो तुम नहीं, जो एक सा न रहे वो तुम नहीं। तुम कैसे? जो एक से रहो, नित्य रहो, अविनाशी रहो, अवयव रहित रहो। अवयव मतलब विदाउट एनी पार्ट्स। एक है, नित्य है, अविनाशी है, सत्य है, चेतन है, आनंद स्वरूप है, सो ही तुम हो। और उसी को हम कह रहे हैं दृष्टा दृश्य विवेक। तुम दृश्य नहीं, दृष्टा हो। अभी के लिए इतना ही, बाकी फिर।